नमस्कार दोस्तों, गुमगुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि बिगर आखिरकार जितने एलिगेशन है उन्हें हटाए बिगर जा नहीं सकती इस समय पूर्वी। जी हाँ, पूर्वी ने बोल दिया है कि जो मेरे साथ में घट हो रहा है वो तो मैं नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि मेरे साथ में इस घर में बुरा हो रहा है और मैं इस समय ऐसा नहीं होने दूंगी। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी का एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट होगा दोस्तों, क्योंकि आरबी आखिरकार यहाँ पर सपोर्ट करेगा और किसी और को नहीं बल्कि वो पूर्वी को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि आरबी को पता है कि पूर्वी ने इस पूरे केस में कितनी ज़्यादा मेहनत की है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेहनत का अगर बात की जाए तो मेहनत बेहद ही एक अलग लेवल पर करता हुआ नजर आया था। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आरबी की मॉम जिस तरीका से बोल रही है पूर्वी से, तुरंत ही आरबी के फादर जवाब देंगे कि पूर्वी कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि पूर्वी ने हमारे इस केस में पूरी तरीका से मदद जो की है, हम उस मदद को कैसे भूल जाएं, क्योंकि वो मदद भूलने लायक है ही नहीं, क्योंकि पूर्वी से ऐसा फील होता है कि जैसे कि ये ही हमारे बेटे को निकाल कर लाई है। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी का बेहद ही दिलचस्प इधर दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर साफ साफ बोलती हुई नजर आएगी आखिरकार पूर्वी की बहन मुनीषा कि मैं देखती हूँ कैसे आरबी और पूर्वी एक हो पाते हैं, क्योंकि किसी भी तरीका से वो भी नहीं होने देगी, उसकी भी एक अलग ही कोशिश होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि मुनीषा ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि मुझसे टकराने वालों का हाल बुरा होता है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू खेलती हुई नज़र आ रही है अपनी तरफ से। गेम इस समय पूरी तरीका से कसम कस की तरीका से चल रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बात की जाए कहानी की तो कहानी में एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस समय मुनीषा बोलेगी कि चाहे इसके लिए मुझे किसी को हायर क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं बिगर हायर करे नहीं रहूँगी, क्योंकि पूर्वी को अब मुझे रास्ते से हटाना है। जी हाँ, अपनी बहन को ही रास्ते से हटाने के लिए इस तरीका की घटिया चाल चल रही है। थैंक यू।